हाय दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा देख डाला तो आपकी बाइक का साउंड भी हो सकता है एकदम झिंगा लाला, क्योंकि आज इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आगे बढ़ा के बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हर एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पूरी जानकारी मैं जो दूंगा, जब आप उसको कम्प्लीटली यूटिलाइज करेंगे, वो सबको अपने साइलेंसर पे यूज करेंगे, तभी आप वो पा पाएंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए वीडियो को डिटेल में देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के थंबनेल से ही आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन मैं आपको कुछ बना के नहीं दिखाऊंगा। लेकिन कोई भी साइलेंसर खरीदते समय या उसे बनाते समय किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आप वो साउंड पा सके जो आप चाहते हैं, उसकी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये जानकारी कहीं अवेलेबल नहीं है। लोग ये तो बता देते हैं कि रॉयल एनफील्ड या जिसे हम बुलेट कहते हैं उसके लिए कौन सा साइलेंसर अच्छा होगा। जैसे कोई कहता है डॉल्फिन अच्छा होगा, कोई कहता है रेड रूस्टर अच्छा होगा, कोई फ्री फ्लो, इंदौरी, पंजाब, जितने भी अलग अलग साइलेंसर आते हैं सबके हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि सबका साउंड अलग अलग है। तो वो अलग अलग साउंड क्यों निकालते हैं, तो उसका बेसिक्स क्या है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनके साउंड के जैसा या उनसे बेटर साउंड निकाल सकते हैं। या अगर हम कोई स्पोर्ट्स जैसी बाइक्स देखें, R15, CBR 250, तो उनके लिए भी काफ़ी साइलेंसर आते हैं। एक्रोपॉविक आता है, SC प्रोजेक्ट है, और भी काफ़ी है। तो आप कैसे उनके जैसा या उनसे बेटर साइलेंसर कम कीमत में बना सकते हैं, या कैसे बेस्ट साउंड जो आप चाहते हैं, जो आपको कोई साइलेंसर में नहीं मिल रहा है, वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों कुछ चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के एक बेस्ट आवाज़ निकलती है। जैसे कि आप ये जो साइलेंसर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये साइलेंसर मैं बना रहा हूँ जो हायाबुसा मॉडिफाई होने आई है, CBR 250 पे जो हायाबुसा की रेप्लिका बनेगी उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। और इसमें मुझे चाहिए थोड़ा लाउड और बेसी साउंड, तो मैं उसे उसके हिसाब से बना रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ जिसके कारण साउंड चेंज होता है या बेटर होता है, तो आप भी उनको ध्यान में रख के अपना साइलेंसर उसी तरह से बनाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों इम्पॉर्टेंट होती है वो होता है ये आउटर पोर्शन, आउटर पाइप जो होता है हमारा साइलेंसर का, बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप एक हैवी साउंड चाहते हैं, लाउड साउंड चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा। देखिए, लाउड अलग होता है, लाउड विथ हैवी यानी बेस चाहते हैं तो वो एक अलग होता है। जनरली कोई भी लाउड साउंड जो कि फटे, जैसे कि टू स्ट्रोक्स का आता है, वैसा तो कोई चाहता नहीं, लेकिन अगर वो भी चाहते हैं तो मैं एंड में बता दूंगा कि आप क्या करेंगे तो वैसा हो जाएगा। अदरवाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ वो लाउड और बेसी साउंड के लिए ही बता रहा हूँ। तो आपको ये जो आउटर पाइप है ये बड़े से बड़ा लेना है, अगर आप आपका जो साउंड है वो एकदम हैवी और लाउड रखना चाहते हैं, तो आप ये पाइप जितना बड़ा लेंगे, यानी इसकी विड्थ, जो इसका विड्थ है, डायमीटर जो है, वो बड़े से बड़ा लेना है। अब बड़े से बड़े का मतलब ये नहीं कि हम 6-7 इंच का पाइप ले लें जो हमारी गाड़ी के ऊपर शूट करे। ये मैंने इतना बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि हायाबुसा पे लगने वाला है, तो उसके सामने ये काफ़ी छोटा ही लगेगा। तो आपको सबसे पहले एक पाइप ले लेना है जो हैवी हो और ब्रॉड भी हो। हैवी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई बड़ा पाइप ले लीजिए जो बहुत पतला होगा, उस पर कोई चीज़ मार के देखिए और कोई उसी साइज़ का हैवी पाइप लेके मार के देखिए, तो आपको साउंड में फ़र्क समझ में आ जाएगा। पतला पाइप बहुत बारीक सी आवाज़ निकालेगा। तो ये साउंड इंजीनियरिंग होती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करना है, तो बाहर का जो पाइप है, जो बड़ा पाइप है आउटर, जिसके अंदर सब कुछ होगा, वो आपको बड़े से बड़ा और हैवी होना। इसके बाद जो चीज आती है दोस्तों, जैसा कि ये आप पार्ट दिख रहे हैं, ये पीछे का पार्ट है जहां से गैसेस निकलेगी, साउंड निकलेगा। तो आपको इसको भी जितना आपके आउटर पाइप से तो छोटा रखना है, लेकिन उसके बाद जितना बड़ा आप रखेंगे आपका साउंड उतना लाउड आएगा। तो अगर आप लाउड चाहते हैं, लाउड से लाउड साउंड चाहते हैं, तो इसको बड़े से बड़ा रखें आपके मेन पाइप के मुकाबले। तो लेकिन सिर्फ दोस्तों इसके बड़े हो जाने से साउंड हैवी नहीं होगा। मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ बता दी। अब साउंड को और हैवी करने के लिए और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो जब हम इसको कैप को रिमूव करते हैं, तो इसके अंदर दोस्तों एक जाली होती है,
अब ये जाली आप इस तरह की जो शीट आती है परफोरेटेड होल वाली शीट वो लेके बना सकते हैं पाइप पे बेंड करके, या आप डायरेक्ट जो भी साइज आपको चाहिए उस साइज का पाइप लेके उसमें ड्रिल्स कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और महंगा प्रोसेस है। तो बेटर ये जाली बहुत सस्ती मिल जाती है, आप आपके साइज की जाली ला ले, उसे बेंड कर ले और उस पर वेल्डिंग कर दे, तो ये आपका पाइप तैयार हो जाएगा जो अंदर होगा जो परफोरेशन का काम करेगा। अब दोस्तों इस पाइप का क्या जरूरत होता है, वैसे ये भी फ्री फ्लो है, ये कोई साउंड को रोकेगा नहीं जैसा हमारी ओरिजिनल स्टॉक साइलेंसर्स में होता है। तो ये क्यों होता है, तो दोस्तों जैसा कि ये अंदर में इस तरह से लगा होता है, तो अगर ये ऐसा ही रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, इसके ऊपर हमको एक मैट लगाना होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि मार्केट में जो साइलेंसर मिलते हैं वो कहते हैं ये ग्लास वूल साइलेंसर है, सिरेमिक वूल साइलेंसर है, तो वही वूल इसके ऊपर रैप होता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले वो वूल दिखाता हूँ, मेरे पास जो है वो है सिरेमिक वूल, ये आप देख सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल सकता है। अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में प्राइस ना पूछे, व्हाट्सएप करे या कॉल करे, कमेंट में कोई प्राइस मत पूछिए, बस दोस्तों आपको जो पूछना है डिटेल पूछिए, कमेंट में प्राइस मत पूछिए, ठीक है। तो ये जो सिरेमिक वूल होता है दोस्तों, इसको हम इसके ऊपर रैप कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये इसके ऊपर पूरा रैप हो जाता है। मैंने ये अभी डबल करके रैप किया है, वो क्यों मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से आप रैप करेंगे पूरे पाइप पे, इसको हम खोल लेंगे बेड को, ये इसी के साइज का है, ये देखिए ये इस तरह से इस पे रैप हो जाएगा, और इसके बाद हम इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे रैप करके ही, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम बाकी है। तो इस तरह से रैप करके हम इसके ऊपर कर देंगे। तो दोस्तों ये जो मैट है ये क्या करता है, ये दो चीजें करता है, ये जो मैट होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन के लिए। तो दोस्तों जब हम इसके ऊपर रैप कर देते हैं और उसको इसके अंदर डाल देते हैं तो ये हमारे साउंड को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन कौन से साउंड को एब्जॉर्ब करता है, जो बारीक ट्यून्स होती है। जैसा आपने अगर कोई साउंड सिस्टम देखा होगा तो उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक बेस होता है एक ट्रबल होता है। तो हमको लाउड साउंड चाहिए, यानी हमको ट्रबल कम करना है, लाउड बढ़ाना है, लाउड बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी वो बता दिया, लेकिन ट्रबल को कम करने के लिए हमें इंसुलेशन मैट का यूज़ करना पड़ता है। तो वो जो चीज़ें होती हैं जो बारीक साउंड होते हैं वो उनको पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो ये एब्जॉर्ब करते हैं वो होती है हीट। दोस्तों आपने देखा होगा टू स्ट्रोक गाड़ी के इंजन बहुत जल्दी पुरानी गाड़ियों के हीट हो जाते थे, या पुरानी गाड़ियों के साइलेंसर्स बहुत जल्दी हीट हो जाते थे क्योंकि उनके अंदर कोई इंसुलेशन मैट नहीं होती थी। और आजकल थोड़ा टाइम लगता है, हम 10-15 किलोमीटर जाके आ जाए तो हीट नहीं होता, उसका कारण होता है अंदर में इंसुलेशन मैट। तो जितनी ज़्यादा इंसुलेशन मैट होगी उतना बारीक साउंड वो एब्जॉर्ब करेगी और उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगी, आपका साइलेंसर उतना कम गर्म होगा, उतना लेट गर्म होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आपको साउंड लाउड से लाउड रखना है, हैवी से हैवी रखना है, तो आउटर पाइप के मुकाबले इस जाली को आप जितना छोटा रखेंगे आपका साउंड उतना कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैट उतनी ज़्यादा इंसुलेशन आएगी, और जितनी बड़ी रखेंगे उतना आपका साउंड लाउड हो जाएगा लेकिन उसका हैवीनेस थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट साइज के बारे में नहीं बता सकता, बाइक टू बाइक वेरी होता है, सब चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन साइलेंसर्स में जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो आपको मैंने बता दिया। इनसे मैं रिपीट करता हूँ, एक होता है आउटर पाइप, उसका साइज और उसका वेट, दूसरा होता है जहाँ से हमारा साउंड निकलेगा उसका साइज, तीसरा अंदर की जाली का साइज और उस पर लगी हुई मैट। तो दोस्तों ये सब चार ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है आपका साउंड। तो अब जब मार्केट में आप अगर जाए साइलेंसर खरीदने, तो आपको अगर आप बनाना चाहते हैं तो डायरेक्टली बता दें, लेकिन खरीदने भी जब जाए तो यही आप रूल्स उस पर अप्लाई करें, जितना बड़ा मुंह होगा उतना साउंड ज़्यादा आएगा, जितना उसके अंदर इंसुलेशन होगा उतना उसमें ट्रबल कम होगा, चिड़चिड़ाहट कम होगी, अच्छा हैवी साउंड आएगा, जितना वेट होगा उतना हैवी अच्छा साउंड आएगा। तो इन रूल्स को आप साइलेंसर खरीदते समय भी लगा सकते हैं, और जो साइलेंसर चाहे आप रॉयल एनफील्ड के लिए चाहे फ्री फ्लो ले अपना रेड रूस्टर ले, डॉल्फिन ले, है ना, या एक्रोपोविक ले अपनी दूसरी बाइक्स के लिए, तो सब पे यही रूल लागू होगा, और यही रूल लगा के आप आपका साइलेंसर
बना सकते हैं और आपका भी साइलेंसर एकदम झींगा लाला होगा। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू दोस्तों।